हल्द्वानी शहर में बीते दिनों हुई बरसात से शहर में भारी जलभराव हो गया है। नहर और नाले ओवरफ्लो होने लगे हैं और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है। लिहाजा कांग्रेस विधायक सुमित हिरदेश ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक सुमित हिरदेश ने कहा कि नगर निगम हर साल लाखों रुपए का बजट नालों की और नहरों की सफाई के लिए खर्च करता है, लेकिन वह सफाई कहाँ होती है आज तक किसी को नहीं पता, और ड्रेनेज सिस्टम भी आज तक कागजों में ही चल रहा है। यही वजह है कि शहर में ऐसे हालात हुए हैं। HPCL कंपनी ने सड़कों को पूरी तरह खोद दिया है और अब थोड़ी सी बरसात में ही यहाँ हालात बेहाल हो चुके हैं। देखिए नगर निगम, लगातार नालों के ऊपर खर्चा दिखाता है, लाखों लाख रुपए का, पचासियों लाख रुपए का प्रति वर्ष। आज तक आपने नाले साफ होते हुए शहर में देखे? मैंने अपने आंखों से नहीं देखे। ये केवल खाऊं और खिलाऊं नगर निगम की जो पॉलिसी है, जिससे पूरे शहर की जो अव्यवस्थाएं हैं, सारी सड़कें यहाँ पे खुदी पड़ी हैं। HPCL हो, वो नगर निगम को एक अमाउंट देता है, एक परसेंटेज देता है रोड बनाने का कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन आप देख लीजिए सड़कें जो खुदी हैं, महीनों तक उनकी बदहाली है। तो नाले हो, पद नाले हो, सफाई हो, व्यवस्था हो, नगर निगम शून्य पे है इस हल्द्वानी शहर की।